Hello children, welcome back to Extra Class with Aryan Mandal. How are you all? I hope you all are doing well. So on your request, this is part second of video of this chapter. Right, chapter kya hai hamare paas? The sentences from class 8 and your book is Climb with Cornerstone, Pearson Publications ki jo book aati class 8 ki grammar English. ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप लिंक हमारी जो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में उसमें से भी देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा एक बार. साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है, यू कैन लाइक द बटन, हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल. वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर चैनल, देर इज़ अ ज्वाइन बटन. बाय पेइंग वेरी नॉमिनल चार्जेस यू कैन ज्वाइन अस एंड यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी आंसर विथ मी, इंटरेक्ट विथ मी डायरेक्टली. राइट, और इस टाइप्स के ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप इस हिट बटन को क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन बटन को. शुरू करते हैं पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, सेकंड नंबर. आई थिंक वी शुड मीट अगेन. ठीक है, आई थिंक वी शुड मीट अगेन एसरेटिव सेंटेंस में इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे. तो किस तरह से चेंज करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे बताया है इसके अकॉर्डिंग, इस डायरेक्शन जैसे दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिलअप करने हैं. आई थिंक वी शुड मीट अगेन एसरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, और इसमें क्या है, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक वी शुड मीट अगेन. ठीक है, तो टू थिंक की जगह क्या आएगा, आई थिंक वी शुड मीट अगेन. ठीक है, आई थिंक वी शुड मीट अगेन. ओके, कोई इशू नहीं है इसमें. नेक्स्ट शुरू करते हैं, लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाना मत भूलना. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी शुड नॉट ब्रेक रूल. जो है इसको इंपेरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, कमांड सेंटेंस में आपको चेंज करना ऑलरेडी आपको पता है. ठीक है, तो किसी को कमांड कर देंगे तो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे सेंटेंस, डोंट ब्रेक द रूल. ठीक है, डोंट ब्रेक द रूल. ठीक है, रूल आपको नहीं तोड़ना चाहिए. नंबर फोर करते हैं, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे, कोई सडन फीलिंग जिसमें हो. ठीक है, आई विश आई हैड कम सूनर. सो इसमें क्या करेंगे, विश आई हैड कम सूनर, जो विश है इसको सबसे पहले लगा लेंगे और आई के पहले, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज सेम, और लास्ट में आपको एक्सप्लेनेटरी मार्क्स लगाना है. तो किस टाइप से होगा, विश आई हैड कम सूनर. ठीक है, ये आपका आंसर है नंबर फोर का. नेक्स्ट नंबर फाइव जो क्वेश्चन है, वाई शुड Why worry about such small issues? Assertive sentence में change करेंगे जो आपका ये interrogative sentence है, question sentence है, इसको किस तरह से करेंगे देख लेते हैं एक बार. We should not worry about such small issue. ठीक है, We should not worry about such small issue. लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा. ठीक है, नंबर फाइव कंप्लीट है, एसरेटिव सेंटेंस है, हमें छोटे छोटे इश्यूज के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए. नंबर फोर, दैट वाज नॉट द करेक्ट थिंग टू से. इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको पहले पता है कि इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, वॉज दैट द करेक्ट थिंग टू से, ए वॉज जो है इसको सबसे पहले आप यूज़ करेंगे, उसके बाद वॉज दैट नॉट का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे तो नॉट को आप रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, वॉज दैट द करेक्ट सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट थिंग टू से, थिंग टू से, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना आप. नंबर नेक्स्ट सेवन, एज सुन एज ही सो द पुलिसमैन ही रन. तो उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव के लिए आपको ऑलरेडी पता है नो यूज़ करेंगे. नो सूनर हैड ही सीन द पुलिसमैन ही रन. ठीक है, आर एन रन.
क्लियर है, लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर एट देख लेते हैं एक बार क्या है। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू सीट डाउन इमीडिएटली। इंपेरेटिव में कमांड सेंटेंस में चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल है, सीट डाउन इमीडिएटली, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आपको दिख रहा है, सीट डाउन इमीडिएटली, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। नंबर नाइन है, देयर वॉज नो वन प्रेजेंट हु डिड नॉट रिप्ले। सो एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, मतलब असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, इसमें कोई नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे, नो का यूज़ नहीं करेंगे, एफर्मेटिव का मतलब यही होता है। एवरी वन प्रेजेंट देयर हैड रिप्लाइड, तो क्या होगा, एवरी वन प्रेजेंट देयर हैड रिप्लाइड। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, एवरी वन प्रेजेंट देयर हैड रिप्लाइड, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे आप। नंबर टेन, वॉज देयर एवर एनी थिंग सो एक्सक्यूसिटली बिफोर, सॉरी ब्यूटिफुल बिफोर। सो असर्टिव में चेंज करेंगे, जो ये इंट्रोगेटिव में है, क्वेश्चन मार्क में है, इसको कैसे चेंज करेंगे, देयर वॉज नेवर एनी थिंग, ठीक है, टी एच ई आर ई, देयर वॉज नेवर, एन ई वी ई आर, नेवर एनी थिंग सो, टी एच आई एन जी, एनी थिंग सो, देयर वॉज नेवर एनी थिंग सो एक्विसिटली, एक्विसिटली ब्यूटिफुल बिफोर, ठीक है, यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटिफुल बिफोर, बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर। यहाँ पर लास्ट में आप क्या लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे। नंबर टेन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। आगे देखते हैं कोई एक्सरसाइज है क्या, यस, इलेवन भी है इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इलेवन में क्या है, आई शैल नेवर फॉरगेट दोज ग्लोरियस डे इन स्कूल, बहुत ही अच्छे दिन जो थे, ग्लोरियस डे। इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे इसको, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन सेंटेंस में चेंज करेंगे, हाउ शैल आई एवर फॉरगेट दोज ग्लोरियस डे, क्या लिखेंगे, हाउ शैल आई एवर फॉरगेट दोज ग्लोरियस डे, राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। नंबर नेक्स्ट जो है, दिस कारपेट इज एन एक्स क्यू सीट वर्क ऑफ आर्ट, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, वाओ और एक्सप्लेनेटरी मार्क्स, दिस कारपेट इज एन एक्सक्यूसिट साइट वर्क ऑफ आर्ट, बहुत ही शानदार काम है, राइट, सेम एज इट इज, इसको लिख देंगे जैसे लिखा हो, ओनली बाओ सबसे पहले लिखेंगे, एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ये आपका हो जाता है नंबर डी पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ई पार्ट में, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, देन आस्क डब्ल्यू एच क्वेश्चंस और यस नो क्वेश्चन इन दिस सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, या यस नो वाले क्वेश्चंस बनाने हैं, या फिर आपको डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चंस, डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चंस यूज़ करने हैं। नो वन कैन टॉलरेट दिस काइंड ऑफ एपैथी, ठीक है, तो यस नो वाले क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं हम लोग, कैन एनी वन टॉलरेट दिस काइंड ऑफ एपैथी, ठीक है, कैन एनी वन टॉलरेट, टी ओ एल ई आर ए tolerate this kind of apathy, THIS, this kind, KIND, kind of apathy, 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 ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। नंबर सेकंड देखते हैं, रामू कुड हियर दिस मोबाइल फोन रिंगिंग, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस यूज करेंगे, रामू को मोबाइल फोन की रिंगिंग सुनाई देती है, तो क्या लिखेंगे इसमें, रामू को क्या सुनाई देती है, व्हाट कुड रामू हियर, What could Ramu hear? H E A R, hear. लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। नंबर नेक्स्ट यस नो वाले क्वेश्चन इसको बनाएंगे, ठीक है, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क इज पोलाइटनेस, ठीक है, इज देयर एनी पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, इज देयर एनी पॉइंट, इज देयर, टी एच ई आर ए, देयर एनी पॉइंट, ठीक है, इज देयर एनी पॉइंट इन क्राइंग ओवर, इन क्राइंग ओवर, इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, एस पी आई एल टी, स्पिल्ड मिल्क, एम आई एल की मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। दोबारा मैं आंसर आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको हैंड राइटिंग में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ रही है, इज देयर एनी पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये आपका हो गया नंबर थर्ड। नंबर फोर में देखते हैं, नथिंग इज़ ब्यूटिफुल एज कश्मीर, कश्मीर से ज़्यादा कुछ ब्यूटिफुल नहीं है, विच प्लेस इज एज ब्यूटिफुल एज कश्मीर, क्या लिखेंगे, विच
WHICH, which place, 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 is as beautiful, is as beautiful as Kashmir, KASHMIR, Kashmir. ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे. नंबर फाइव देख लेते हैं. नेक्स्ट, एवरी वन हैज़ रीड अबाउट गांधी, तो WH क्वेश्चन यू का यूज़ करेंगे. सब गांधी के बारे में पढ़ते हैं या पढ़े हैं. ठीक है, हु हैज़ रीड अबाउट गांधी, बहुत ही सिंपल है. हु हैज़ रीड अबाउट गांधी, GANDHI, गांधी जी के बारे में कौन पढ़े हैं. ठीक है, हु हैज़ रीड अबाउट गांधी, गांधी कैपिटल, जी आएगा. सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. द्राविड आस्क्ड द यंगस्टर टू प्रैक्टिस रेगुलरली, तो इसका आंसर्स क्या होगा. यस नो वाले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे. डिड द्राविड आस्क द यंगस्टर टू प्रैक्टिस रेगुलरली, दोबारा यूज़ देख लेते हैं. डिड द्राविड आस्क द यंगस्टर टू प्रैक्टिस रेगुलरली, ये नंबर सिक्स का हो जाता है. ठीक है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ आंसर, आप सुन लेना ध्यान से. गो एंड पुट द वेस्ट इन डस्टबिन, WH क्वेश्चंस का यूज़ करेंगे. जाओ और डस्टबिन में अपने जितने भी वेस्ट हैं सारे को क्या करो, पुट करो, रख दो. ठीक है, तो कहाँ पर हम अपने वेस्ट का मतलब वेस्ट रखेंगे या फिर फेंकेंगे. ठीक है, तो नंबर सेवन का आंसर इस तरह से होगा. वेयर डू वी पुट द वेस्ट इन, वेयर डू वी पुट द वेस्ट इन, दिस इज नंबर सेवन. नंबर एट देखते हैं. फोकस वेल ऑन योर स्टडीज, तो इसका आंसर किस तरह से होगा. शुडंट यू फोकस वेल ऑन योर स्टडीज, शुडंट यू फोकस वेल ऑन योर स्टडीज, शुडंट यू फोकस वेल ऑन योर स्टडीज, ए नंबर एट हो जाता है. नंबर नाइन की बात करेंगे अभी. द ब्यूटी ऑफ द सी इज़ बियॉन्ड वर्ड, सी का जो ब्यूटी है वो वर्ड से डिस्क्राइब नहीं हो सकता है, तो कैसे हो सकता है. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम सी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सी के ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे. हाउ इज़ द ब्यूटी ऑफ सी, हाउ इज़ द ब्यूटी ऑफ सी, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, हाउ इज़ द ब्यूटी ऑफ सी, हाउ इज द ब्यूटी ऑफ, BAUTY, ब्यूटी ऑफ सी, SESE, ये आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा. नंबर टेन की बात कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं है. नोबडी इज़ चीयरफुल एज सचिन, सचिन की तरह चीयरफुल कोई नहीं है. ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. यस नो क्वेश्चन के लिए आपको ऑलरेडी पता है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले करेंगे. इज देयर एनीवन एज चीयरफुल एज सचिन, दोबारा मैं बता रहा हूँ, इज देयर एनीवन एज चीयरफुल एज सचिन, इज देयर एनीवन एज चीयरफुल एज सचिन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे. सो दिस इज कम्प्लीट लेसन, लेसन कम्प्लीट हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. इफ यू फाउंड द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल एंड मेंशन इन कमेंट सेक्शन सो वेयर आर यू वॉचिंग फ्रॉम. योर वर्ड्स आर रियली हाईली मोटिवेटेड फॉर मी एज वेल एज पुशिंग मी टू मेकिंग द न्यू वीडियोज़ फॉर यू, राइट. आपकी छोटी सी अप्रिसिएशन मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करती है. सो कमेंट सेक्शन में मैंसन करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो में बने रहिए. नेक्स्ट चैप्टर कौन सी चाहिए प्लीज़ मैंसन कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए. थैंक यू.